हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सागर नायक ऑफिशियल में मैं आप सबका सहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ ही होंगे और मैं भी यहाँ पे आप लोगों के प्यार में अच्छा ही हूँ। दोस्तों तो चलो आज का ब्लॉग बस शुरुआत करती है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो एक कॉमेंट भी जरूर करके जाना। अगर आप लोग पहले से देख रहे हो तो कॉमेंट जरूर करके जाना, क्योंकि दोस्तों मैं जहाँ पे रहता हूँ ना यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है। मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि यहाँ पे गर्मी कितना पड़ता है। ऐसे गर्मी में बाहर निकलने का मन नहीं होता है, इतना ज़्यादा गर्मी पड़ता है। और यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे रोज़ पानी नहीं आता है। पानी ऐसे गर्मी के टाइम की बात करूँ तो दो तीन दिन छोड़ छोड़ के पानी आता है। हम सबको स्टॉक करके रखना पड़ता है पानी तो। और अभी ऐसे रेगुलर की बात करूँ ना वहाँ पे एक दिन छोड़ के ही आता है। ऐसे तो रोज़ तो कभी भी नहीं आता है, एक दिन छोड़ के ही आता है। और गर्मी में तो कभी जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है ना उसी टाइम की बात करूँ तो पानी दो दिन तीन दिन छोड़ के आते। तो अब लोग सोचिए कि हम लोग को कितना ज़्यादा तकलीफ़ झेलना पड़ता होगा। तो और इसके लिए हमारे यहाँ पे जो पानी का मोटर बोलते हैं वो सब कुछ अच्छा वाला लगाना पड़ता है। तो अभी मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि चलो हमारा जो पानी का मोटर था वो बिगड़ गया। मतलब दो तीन दिन से बिगड़ा हुआ ही है कि कब से ऐसे पानी एक दो बार आया तो ज़्यादा नहीं भरा, इसलिए पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो आज पानी का मोटर ला ही देता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है ना पानी की वजह से। तो चलिए दोस्तों पहले मोटर लेने के लिए चलते हैं और आप सबको भी दिखाता हूँ मैं कौन सा मोटर ले रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी बताना कि ये कंपनी का मोटर अच्छा है कि नहीं है। क्योंकि कोई अच्छा कंपनी का ले लूँगा तो अच्छा ही होगा, क्योंकि ज़्यादा दिन चलेगा, लास्टिंग होगा और पानी भी जितना जल्दी और ज़्यादा खींच सकते हैं वो हमारे लिए अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों पहले वो ले लेते हैं और आप सबको भी दिखाते हैं कौन सा लेता हूँ। तो देखिए अचानक से कितना ज़ोर से बारिश चालू हो चुका है, मतलब तूफान बोल सकते हैं इसको। बारिश तो हम लोग कभी भी नहीं बोल सकते लेकिन बिल्कुल तूफान चालू हो गए। और देखिए इतना ज़ोर ज़ोर से बिजली गरज रहा है ना, खुद को इतना ज़्यादा डर लग रहा है। तो भी मैंने सोचा चला आप लोगों को साथ ये बात शेयर करना ज़रूरी समझा है, तो इसलिए शेयर किया मैंने। मेरे गांव की बात करूँ वहाँ पे जितना केरी का पेड़ था ना, एक भी केरी पेड़ पे नहीं है, सब नीचे पड़ा है, सब नीचे पड़ रहा है। हम लोग ऐसे देख रहे हैं ऊपर से, इतना ज़्यादा डर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हो रहा है। कितना सारा पेड़ भी गिर चुका है और जो मिट्टी का मकान था ना गांव में वो सब गिर चुका है। बहुत ज़्यादा हमारा गांव में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है दोस्तों। मैंने सोचा कि चलो ये बात आप लोग से शेयर करना ज़रूरी समझा है। देखिए आप लोग कितना ज़ोर ज़ोर से गरज रहा है, मैं ऐसे मोबाइल पकड़ रहा हूँ तो भी मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि चलो आप लोग सोचिए कि इतना ज़्यादा बिजली गरजेगा और इतना ज़्यादा तूफान जैसा होगा तो गांव में ऐसे हालत कैसे होगा। जो लोग छोटे छोटे घर में रहते हैं उन लोग का तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होगा। मैंने सोच रहा हूँ कि चलो ये कम हो जाने के बाद थोड़ा ऐसे बाहर जाके घूम के देख के आ जाऊँगा कि उन लोग का भी हालत क्या है, कैसा है नहीं है, तो मुझे भी थोड़ा बहुत ऐसे अच्छा लगेगा। हालत मतलब बहुत ही ख़राब है, ऐसे देख के खुद को इतना ज़्यादा डर लग रहा है ना कि आप लोग खुद सोचिए कि मैं ऐसे ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है। तो जो लोग चलो वहाँ पे है तो उन लोगों को क्या होता होगा। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर कर लूँ तो अच्छा लगेगा मुझे। देखिए दोस्तों इतना ज़ोर ज़ोर से हो रहा है ना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि छोटा मिस्टेक हो। दोस्तों ये सब पूरा होने के बाद जहाँ पे मेरा मेन प्रॉब्लम था पानी का, क्योंकि पानी नहीं आ रहा था, पानी के लिए मोटर लेने के लिए जाना था मैंने बोला था। तो चलो दोस्तों मैं मोटर के दुकान पे गया कि कौन सा अच्छा है, उसको दिखाने के लिए बुलाओ। वो बहुत सारे ऐसे कंपनी का दिखा रहा था, फिर मुझे ऐसे एडवाइस मिला था कि चलो लूबी कंपनी का जो आता है वो अच्छा आता है और कंपनी का भी अच्छा आता है। तो मैंने सोचा कि लूबी का ही ले लूँ, पर वहाँ पे गया था तो लूबी का मुझे नहीं मिला। तो डीलक्स गोल्ड का भी एक था तो मैं सब ऐसे देख रहा था कि कौन सा अच्छा है। जो अच्छा था मैंने सोचा कि चलो ये मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा, तो मैंने बोला चलो ये पैक कर दो, ये लेके जाता हूँ, क्योंकि जल्दी फटाफट ऐसे वो भी पैक करना पड़ेगा नहीं तो फिर वो भी दिक्कत। तो ये ले लिया मैंने। दोस्तों फाइनली मैं मोटर लेके निकल चुका हूँ और मैंने कौन सा मोटर लिया आप लोगों को शायद दिखा दिया, क्योंकि वहाँ पे ऐसे भीड़ भी बहुत था तो इसलिए मैंने जितना हो सका मेरे से मैंने उतना भी ऐसे वीडियो शूट कर लिया। और अभी यही घर पे जाके तुरंत लगाए तो क्योंकि थोड़ी देर के बाद पानी आने वाला है। क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको वो आप लोगों को कि चलो एक दिन छोड़ के आते हैं, तो अभी जितना जल्दी होगा लगा दूँगा उतना अच्छा। और यहाँ पर देखिए गर्मी कितना है, अभी 3 बजे 3:30 बजे के आसपास पानी आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट जाके पहले वो काम कर देता हूँ, फिर आपसे ज़रूर मिलता हूँ। दोस्तों आप लोग को पता है कि मैंने पानी के लिए मोटर लेके आया। मैंने आप कुछ टाइम पहले आप लोग को वीडियो में बताया था कि चलो यहाँ पे पानी का दिक्कत है, मैंने मोटर नया लाया है और आप लोग को दिखाया भी था। तो उसके बावजूद भी अभी आज पानी आया नहीं,
तो सोचिए दोस्तों आज हम लोग का हालत क्या होता होगा। तो अभी सोच रहे कि चलो अभी शाम हो चुका है, तो शाम को 3:30 बजे के आसपास पानी आने वाला था, पर अभी तक नहीं आया। अभी 5:30 बज चुका है, तो अभी पानी का टंकर जहाँ से मंगवाते हैं ना, चलो देखते हैं कि वहाँ से पानी का टंकर लेके मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। आप लोगों को पता है कि हम लोग जुगाड़ करने में मास्टर होते हैं, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं और आप लोग को साथ में लेके करते हैं, तो आप लोग ज़रूर मेरे साथ रहिए। दोस्तों फाइनली पानी का जुगाड़ हो चुका है, रात को 8 बजे के आसपास में हम लोगों ने ऐसे टैंकर मंगवा दिया, लेकिन तब तक तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, इसलिए तब तक के लिए थोड़ा बहुत जो पानी होता है वो थोड़ा बहुत लेके जाता हूँ। देखिए दोस्तों तब तक हम लोग यहाँ से भर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये नॉर्मल पानी है, इसका एक एक का 10-10 रुपये का लगता है। हमने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत पहले यहाँ से भर लेते हैं। तब तक दोस्तों यहाँ से थोड़ा बहुत ऐसे होगा 4-5 करवा भर लेंगे, फिर उसके बाद रात को 8 बजे के आसपास पानी आएगा, तब तक वहाँ से सेटिंग हो जाएगा। देखिए हालत बहुत ही ख़राब हो गया सुबह से। दोस्तों पानी का टैंकर आ चुका था, क्योंकि पानी का टैंकर आते आते काफ़ी लेट हो चुका था, क्योंकि रात को 9 बजे आया था, पर ऐसे पानी वाले ने बोला था कि चलो 8 बजे मैं आ जाऊँगा, पर उसने 8 बजे नहीं आया था, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था इसलिए। और वहाँ पर थोड़ा बहुत अंधेरा था, मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था, पर वो ऐसे आप लोग को समझ में नहीं आता कि चलो मैंने कहाँ पे शूट किया क्या, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, इसलिए मैंने आप सबसे दिखा नहीं पाया कि पानी का टैंकर आया था। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों को बताया था कि चलो पानी का टैंकर आएगा, तो वो आप सबके साथ शेयर करूँगा, पर आया नहीं। तो चलो दोस्तों, तो भी चलो आज का दिन बहुत ही ख़राब गया मेरा, क्योंकि सुबह से उठने के बाद ही पानी नहीं है, पानी नहीं है ये सुन सुन के, और मैंने ये सामने से एक बार नहीं, इसके पहले भी काफ़ी बार हुआ है, तो आज का दिन बहुत ही ख़राब गया मेरा, अच्छा थोड़ा भी नहीं गया। तो इस ख़राब जोक के साथ ही मैं बोल रहा हूँ कि चलो आज का ब्लॉग बस यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आप लोग ज़रूर बताना आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा।